जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चिली स्पाइस वॉक्स में। दोस्तों, आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट था कि मैम पिज्जा बेस बनाइए बोस माइक्रोवेव में पिज्जा बेस के लिए, तो आज हम वही बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लेट हो गया है। कोई बात नहीं, चलिए अभी बनाते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे जरूरी टिप्स शेयर किया है, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो स्टेप वन ये है कि हम ईस्ट को फॉर्मेंट करेंगे, प्रूफिंग अप ईस्ट। तो ईस्ट को फॉर्मेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक कप ल्यूकवार्म वाटर लेंगे। ल्यूकवार्म किसे कहते हैं, जिसमें हम ऐसे अंगूठी डाल सकते हैं। पानी इतना गर्म होना चाहिए जिसमें हम अंगूठी डाल सकते हैं। तो बस अभी उसमें हम, मैंने यहाँ पे ये ड्राई एक्टिव ईस्ट यूज कर रही हूँ, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और आप लोग देखिए, मैं ये पैकेट का सील अभी खोल रही हूँ। ईस्ट जब पुराना हो जाता है तब हमारा जो डो है अच्छे से फॉर्मेंट नहीं होता है। तो उसीलिए कभी भी अगर आप ईस्ट यूज करते हैं तो ईस्ट को आप 15 दिन के अंदर जैसे आप उसको मतलब कंज्यूम कीजिए। तो आपने देखा, 2 छोटा चम्मच ईस्ट और 2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल के इसको हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी 10 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे तो ईस्ट हमारा मतलब फॉर्मेंट हो जाए। अभी देखिए, ईस्ट भी हमारा कितना अच्छा बबल दे रहा है, मतलब इसका मतलब है ईस्ट बहुत अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है। तो स्टेप टू में चलते हैं। और स्टेप टू में यह है कि हम अभी नीडिंग ऑफ डो मतलब आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने से पहले हमें 2 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है। ऐसा नहीं है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, सिर्फ सरसों के तेल को छोड़ के। 1 कप मैदा डालेंगे, 2 कप मैदा साइड में रखेंगे और 1 कप मैदे को पहले हम ये जो ईस्ट का जो घोल है उसी के साथ ना ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। उससे क्या होगा, ईस्ट अच्छे से सब पूरे आटे में मिक्स हो जाएगा और फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होगा। अब दूसरा जो कप था उसको डाल के उसको अभी हम ऐसे जो हमारा जो मिक्स बनाया था उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप ये चीज हाथ में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चम्मच से ही करना है या कोई वुडन स्पैटुला से करना है। दोस्तों, ये जो डो है इसको कभी भी हम कोई बर्तन में ना आसानी से नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें किचन काउंटर पे आना ही पड़ेगा। उसी लिए मैं अभी किचन काउंटर में थोड़ा सा जो मैदा है उसको मैंने ऐसे डस्ट करके अभी ये जो डो है ना उसको उसी में निकाल रही हूँ। आप किचन काउंटर को अच्छे से साफ कीजिए, साफ करके ये प्रोसीजर कीजिए। आटा जब तक अच्छा नहीं लगेगा आपका जो ब्रेड है वो सॉफ्ट बनेगा ही नहीं, ये भी एक टिप है। और आटे को लगाते टाइम आपको ऐसे खींच के लगाना है, ये देखिए ऐसे, आपकी जो पाम है जो हथेली है उससे आपको ऐसे खींचना है, रिटर्न लाना है, फिर से खींचना है। ये जो प्रोसीजर है ये आपको 10 मिनट करना पड़ेगा। अगर हाथ दुखे तो 1-2 मिनट छोड़ दीजिए, लेकिन फिर से कीजिए, ज्यादा टाइम भी आप नहीं छोड़ सकते। बस ऐसे देखिए, आप ऐसे मतलब आटे को लगाना पड़ेगा। और लगाने से क्या होगा, आटा आपका सॉफ्ट होगा और ये जो हाथ में चिपक रहा है ना, ये 10 मिनट बाद धीरे 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 आटा हमारा ऐसे सेट हो जाएगा तो हाथ में भी और नहीं चिपकेगा। अभी देखिए, आटा मेरा सेट हो गया है और ज्यादा चिपके तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के उसको भी लगा सकते हैं। अभी 10-12 मिनट बाद मेरा आटा पूरा सेट हो गया है, ये देखिए। अभी इसको और भी थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच बटर, लेकिन ये जो बटर है रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, आपका बिल्कुल भी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ईस्ट की जो फर्मेंटेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बंद हो जाती है। तो हमेशा अगर भी फ्रिज में है तो उसको निकाल के आप उसको हल्का सा गर्म करके फिर आप उसको लगाइए। और 2 मिनट आटा लगाने के बाद ये देखिए, आटा पूरा तैयार हो गया है और हाथ में भी नहीं चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। और जब हम डो को प्रेस कर रहे हैं और रिटर्न भी वापस आ रहा है, इसका मतलब है हमारा डो परफेक्ट है। अभी इसको ऐसे आपको ऊपर को खींचना है, आप देख रहे हैं मैं वीडियो में कैसे कर रही हूँ। इसको हमें हाथ में रख के नीचे को खींचना चाहिए, लेकिन नीचे को खींचेंगे तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि कैसे खींच रहे हैं। उसीलिए मैं आपको ये डो को नीचे रख के ऐसे दिखा रही हूँ। और ये जो पार्ट है जिसको हमने खींच के किया है उसको हमें, जो हमारा जो बर्तन है ना उसको नीचे को रखना है।
दोस्तों इसी टाइम मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी कट लग गई है, जिसके वजह से कि मैं लेफ्ट हैंड से काम कर रही हूँ, तो उसी लिए आप देख सकते हैं मेरी जो दाहिना हाथ है उसकी जो बड़ी अंगूठी, उसमें से कैसे मेरी खून निकल रहा है। तो उसीलिए मैं बहुत केयरफुली कर रही हूँ और लेफ्ट हैंड से ही उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ इसी वजह से। बस इसको अभी हम रेस्ट के लिए रख देंगे। ऊपर तो क्लीन रैप से रैप करना चाहिए, लेकिन वही हाथ कटने की वजह से मैं रैप नहीं कर पा रही हूँ, और उसको हम स्टील की प्लेट से ही ढक देंगे। और ये हमारा फास्ट प्रूफिंग है, जो कि हमारा स्टेप 3 है। और ये जो फास्ट प्रूफिंग है, हम गर्मी में 1 घंटे के लिए इसको अगर छोड़ देंगे तो ये बड़े अच्छे से मतलब फूल जाएगा। तो 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ढक के छोड़ देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 टिप्स दिया है, जो कि आपका एक बेस, पिज्जा बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। अभी 1 घंटे बाद, यहाँ पे तो मैंने 1.5 घंटा रखा है, क्योंकि मतलब देखिए अभी, और कितना अच्छा जालीदार हमारा जो डो बना है आप देख सकते हैं। हल्का सा बस उस पे हम मैदा छिड़केंगे, जैसे कि हाथ में ना चिपके, और उसको हम एक साथ कर लेंगे। जब आपका डो ऐसे फर्मेंट हो ना, तो इसका मतलब है आपका जो डो है, आपका ईस्ट मतलब परफेक्ट काम किया है। अभी फिर से इसको हम ये किचन स्लैब पे निकाल लेंगे। बस निकालने के बाद उसको एक बार बस सेट कर लेंगे। ये देखिए, ज्यादा टाइम इसको लगाना नहीं है, बस 1 मिनट लगाएंगे। और उसके बाद इसको हम जो 4 हिस्से में मतलब 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। जो 2 कप मैदा है उसमें से आपका 4 पिज्जा बेस बनेगा, तो इसको मैं अभी 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। और स्टेप 4 यह है कि हम सेकेंड प्रूफिंग इसको करेंगे। तो सेकेंड प्रूफिंग करने के लिए इसको पहले हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 1 पार्ट ऐसे लेके जैसे हमने पूरा डो को खींचा था, मतलब जैसे पूरा डो को हमने सेट किया था, उसी तरह हम एक एक डो को भी ऐसे ही करेंगे। जो एक एक जो हम लोई लिए हैं, सॉरी एक एक डो नहीं, एक एक जो 4 पार्ट किए हैं, एक एक पार्ट को हम वैसे ही करके जो पहले वाला जो बर्तन था उसमें रख देंगे। ऐसे करके हम तीनों रख देंगे, और जो एक बच्चा है, एक जो हमने लोई रखी है, उसको हम बेस की तैयारी करेंगे। इसको मैं साइड कर देती हूँ। और अभी देखिए, बस ये जो हमारा जो ट्रे है, जो हमें बोस माइक्रोवेव में जो मिला था, ये तो आजकल हर माइक्रोवेव में मिल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करके इसको बस ऐसे फ्लैट कर देंगे। आप चाहें तो इसको रोलिंग पिन से बेल के भी यहाँ पे सीधा रख सकते हैं। बस इसको ऐसे हम सेट कर लेंगे, और इसको हमें ढक के 30 मिनट के लिए फिर से सेकेंड प्रूफिंग के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, मैंने ढक के इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अभी दोस्तों चलिए बेकिंग ऑफ पिज्जा बेस, जो कि स्टेप 5 है। लेकिन कभी भी आप कोई भी चीज बेक कीजिए, उससे पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट करना बहुत जरूरी है। तो 180 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर रही हूँ। तो पहले हम प्रीहीट के लिए रख देते हैं। और चलिए, ये करीबन 30 मिनट हो गया है, बेस को हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बेस, बहुत ही अच्छा मतलब फॉर्मेंट हुआ है, और ये कितना फूल के डबल साइज में भी हो गया है। अभी हम इसको बेक करने के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे हम कांटे वाली जो चम्मच होती है ना, उससे ऐसे थोड़ा सा हम कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो ये पिज्जा वैसे ना वो रोटी की तरह फूलेगा नहीं, वरना वो फिर वैसे ही फूल जाएगा। अभी हम इसको मतलब मेरा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है। अभी हम अंदर रख के उसको हम कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको वही 15 मिनट के लिए हम सेट कर देंगे। लेकिन 15 मिनट पहले हम एक बार चेक कर लेंगे। तो 15 मिनट तक इसको होने देते हैं। हम जो बाकी जो डो बचा था ना उसको देख लेते हैं। उसमें चलिए हम जो दूसरा बेस है, और एक बेस भी तैयार आज कर लेते हैं।
फिर से मैंने वही जो डो है उसको मैंने जो किचन काउंटर पे निकाल के उसको बस सेट कर रही हूँ, और सेट करके इसको और कुछ नहीं करूंगी क्योंकि ज्यादा लगाना नहीं है। डो हमारा पूरा रेडी है, इसको बस हम तीन हिस्से में कट कर लेंगे क्योंकि पहले से ही हमने चार पार्ट किया था। तो तीन हिस्से में कट करके अभी एक जो पार्ट है उसको मैं अभी ये बेस निकलने के बाद इसको लगाऊंगी, उसी एक थाली में जैसे हमने माइक्रोवेव ट्रे में सेट किया था ना, उसी तरह एक थाली में ही मैं सेट कर रही हूँ। जैसे कि ओ वाला मेरा निकले तो मैं इसको छोड़ इसको बेक करने के लिए रख दूँ। तो आपने देखा मैंने अभी इसको भी वैसे ही जैसे पहले वाले को किया था उसी तरह इसको भी ऐसे ही सेट कर रही हूँ। बस ये भी हो गया, इसको भी चलिए ढक देते हैं और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। बस दोस्तों, बाकी जो बच्चा दो है उसको हम नेक्स्ट डे की कैसे यूज करेंगे उसके लिए उसका चलिए मैं बताती हूँ, जो कि हमारा स्टेप 6 है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो कंटेनर है उसको हल्का सा तेल से ऐसे मैं ग्रीस कर लूंगी। ये मेरा एक एयर टाइट कंटेनर है, आप कोई भी स्टील के टिफिन में भी रख सकते हैं। उसमें हम ये आटे को लेंगे और जैसे हम रोल कर रहे थे ना, जैसे नीचे को खींच के, उसी तरह करके हम दोनों जो रोल हैं दोनों रोल को ऐसे रख लेंगे और ऊपर से हल्का सा जो ऑयल है उसको हम लगा लेंगे। और यहाँ पे एक टिप ये है कि आप इसको लगा के एयर टाइट कंटेनर में जैसे आप रखेंगे ना, आप 2 से 3 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर आप इसको यूज कर लीजिए, कितना अच्छा है ना। एक बार आप पिज्जा डो बनाइए और उसको चाहे तो एक एक करके 4 दिन तक भी आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अभी 13 मिनट हो गया है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये भी परफेक्टली हो गया है। कभी भी आप पिज्जा बेस को ना ओवर बेक मत कीजिए, ये बहुत सॉफ्ट था उसीलिए मैं ट्रे से निकाल के लाते टाइम ही ये हल्का सा क्रैक हो गया है। मुझे तुरंत नहीं लाना चाहिए था तो उसीलिए अभी इसको, तो ये तो हो गया है। अभी मैं ना दूसरा वाला जो थाली में रखा था उसको इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ और इसको भी मैं वही 13 मिनट के लिए चलिए हम कन्वेक्शन जो मोड पे बेक कर लेते हैं। तो दोस्तों पिज्जा तो हमने पहले बना चुके हैं, आज बेस भी तैयार हो गया, बाकी और क्या बचा? आप बोलेंगे जो पिज्जा की जो सॉस है वही बचा। अगर उसकी रेसिपी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं बहुत जल्दी उसकी भी रेसिपी लेके आऊंगी। और एक चीज का ध्यान रखिए, पिज्जा बेस को कभी भी ओवर बेक मत कीजिए क्योंकि अगर ओवर बेक कर लेंगे तो पिज्जा बनाते टाइम ज्यादा हार्ड हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।